न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तभी उस ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन होगा कन्वर्सली हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन हो रहा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट जरूर कर रहा होगा कंसिडर कीजिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट से आप रेस्ट में हैं और आपका एक फ्रेंड कार में है जिसका एक्सलरेशन हो रहा है मतलब कि आपका फ्रेंड आपके रिस्पेक्ट से एक्सलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है चूँकि आपके फ्रेम ऑफ़ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से आपका फ्रेंड एक्सलरेट हो रहा है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट जरूर कर रहा होगा और वाकई आपके फ्रेंड को कार की सीट आगे की तरफ पुश करके एक्सलरेट करवा रही है इसका मतलब आपके फ्रेंड पर फोर्स एक्ट कर रहा है जिसके कारण उसका एक्सल्रेशन हो रहा है तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है लेकिन आपके फ्रेंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से आपका एक्सेलरेशन हो रहा है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक आप पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा लेकिन आप पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपके फ्रेंड के मुताबिक आपका एक्सलरेशन हो रहा है लेकिन आप पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब आपके फ्रेंड के लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड है तो इस एग्ज़ाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी एक्स रेटिंग सिस्टम के अनुसार न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो